रायसेन जिले में आशा और उषा की कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर बंगले के पास धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के बंधक यहां पर नीतियों के खिलाफ काली पट्टी बांधकर नारेबाजी कर विरोध जाहिर किया। कर्मचारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर अरविंद दुबे को ज्ञापन सौंपा। आशा उषा और उसके सहयोगी श्रमिक संघ समस्याओं के समाधान के लिए 7 दिवसीय हड़ताल पर है। संघ के अध्यक्ष कृष्णा ठाकुर ने बताया है कि 16 सूत्री मांगों को लेकर शासन प्रशासन अनसुनी उनकी कर रहा है, इसी के चलते प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारा आगे अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग आगे चल के अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और विधानसभा आने वाले विधानसभा चुनाव का पहले से अभ्यास करेंगे। और सरकार जो अपने सरकार ने जो हम लोगों से जो हमारी जो हड़ताल पे आश्वासन दिया था और हमारी पहले हड़ताल जो बंद कर स्थगित करवाई थी वो अपने वादे पूरे करें, वरना हम लोग उग्र आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा।